हेलो एवरी वन एंड वेलकम यू ऑल वेलकम यू ऑल टू अनदर सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा अब बात करेंगे कुछ ग्राफ्स की एंड जेई मेन्स के कुछ फेवरेट क्वेश्चन की किस टाइप से आपको करना है एक चीज़ समझ लो अगर आपको ग्राफ आ गया तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बिना ज़्यादा एफर्ट्स के आराम से हो सकते हैं तो देखो ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे लेकिन हर एक फंक्शन का हम यहाँ पे पहले ग्राफ समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है हमें इसके कॉन्सेप्ट ध्यान देना है क्या क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली इक्वेशंस के ग्राफ्स ऑब्वियसली एंड पी वाई क्यूज तो ये तीन चीज़ें आज का हमारा एजेंडा है जो हमें आज कंप्लीट करना है ठीक है और हाँ कुछ भाई कॉन्सेप्ट के अंदर ही फॉर्मलेस आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ग्राफ्स पी वाई क्यूज़ एंड फॉमलेस भी ऑब्वियसली ये तो बाई डिफ़ॉल्ट होना ही चाहिए तो इतनी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे एंड स्टार्टिंग विथ ग्राफ्स क्योंकि ग्राफ्स कुछ ऐसा है कि पीपल ड्रेड द ग्राफ्स कि भाई कैसे होगा क्या होगा कैसे करना होगा तो सबसे पहला जो मैं ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहूँगा वो है एफ़ेक्स इक्वल टू साइनिक्स का एफिक्स इक्वल टू साइनिक्स का अब वो ग्राफ बनाने से पहले हमें दो चीज़ें उस ग्राफ के बारे में जाननी चाहिए पहली चीज़ ये कि उस ग्राफ का डोमेन क्या है एंड उस ग्राफ की रेंज क्या है ये दो बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप उस ग्राफ को क्रिएट कर सकते हो अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सबका जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है तो, तो, तो तुम यहाँ पर कह सकते हो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज बेसिकली रियल नंबर ऐसे आर लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनीटी लेकिन जो रेंज होती है इस फंक्शन की दैट इज जस्ट फ्रॉम माइनस वन से वन मतलब तुम तो इनपुट कुछ भी दे दो तो आउटपुट हमेशा माइनस वन से वन के बीच में ही आपको मिलना ही मिलना है तो ये पहली बात है जो हम यहाँ पे फंक्शन की कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइनिक्स की एक एक ग्राफ को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे बेहतरीन तरीके से ताकि आपको क्लैरिटी आए चीज़ों में तो लेट स्टार्ट बाय मेकिंग अ ग्राफ देखो तो बेसिक चीज़ें हमें पता चल गई अब ग्राफ देखो कैसे बनाना है और हमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए ग्राफ का क्रिएशन करने के लिए ओके ओके okay. देखो ये मैंने बना लिया आपका x एकस, वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस दिस इज वाई डैश इसके हमें कुछ ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत नहीं है दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स डैश पूरा एक्स एक्सिस आपका बन जाता है अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान देना है एंड इसके ग्राफ हम डायरेक्टली बना सकते हैं देखो जो साइन फंक्शन होता है साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वन होती है वो पाई बाई टू पर आती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई टू पर आती है यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर आती है तो जीरो वैल्यू इस पॉइंट ज़ीरो पर ही आती है देन जो आपका ग्राफ कुछ क्रिएट होता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है ठीक है जो आपका ग्राफ यहाँ पर बनता जाता है कुछ इस प्रकार से ये चलता जाता है और सिमिलरली इसका कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे भी होता है हाँ एक चीज़ याद रखना कि एक सेकेंड ये जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सा सेम कर लें विल इरेज दैट लेटर ओके हाईज एंड लोज सही बनाना चाहिए इसमें ओके okay. बेटर ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ इसका देखने को मिलेगा और ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली चलता रहेगा अब मुझे देखो इसकी ज़रूरत नहीं है आई कैन इरेज दर्स आउट तो बेसिकली बस ये बनाया था कि जो हाइस्ट पॉइंट इसकी वैल्यू है जो हाइएस्ट वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही थी ये वाली पॉइंट पर ये वाई वैल्यू है ठीक है जो आपका आउटपुट आता है वो वाई पे लिखते हैं तो ये वैल्यू वन है और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये वाला ये आपका माइनस वन है अब ये जो वन है कब आएगा जब आपके x की वैल्यू मतलब एक्स एक्सेस वैल्यू पाए बाय टू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपकी माइनस पाए बाय टू होगी ठीक है तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट करता जाता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे होता है ठीक है तो ये बेसिकली आपका बनता है देखो तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट जीरो कॉमन जीरो है इस तरीके से आप ग्राफ का क्रिएशन बेसिकली करते हो तो बेसिक्स है तो ये आपका एफ एक्स इक्वल्स टू साइनक्स का ग्राफ बन जाता है बस आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली ज़रूरत थी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की और इसमें कुछ खास हिस्सा डरावना नहीं है साइनक्स का ग्राफ इज़ फेयरली सिंपल हाँ ये पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए ये माइनस पाई बाई टू था ये पॉइंट आपका ज़ीरो है ये पॉइंट जहाँ पर अगेन जीरो हो रहा है ये पाई है ये पॉइंट आपका टू पाई है यहाँ पर ये भी आपका माइनस पाई है ये आपका माइनस टू पाई है तो बेसिकली इस तरीके से आप ग्राफ पूरा एक्सटेंड करके बना सकते हो एंड आराम से ग्राफ बनता है ठीक है आधा ऊपर आधा नीचे ऑल्टरनेटिवली चलता है प्लस माइनस साइन के साथ इनके पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अब देखो अगर मैं इनके पॉइंट्स लिखूं तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं तो ये पाई बाय टू कॉमा वन होता है तो एक्स की वैल्यू जब पाई बाय टू होगी तब आपको वाई की वैल्यू वन मिलेगी यहाँ पे ये जीरो कॉमा जीरो लिख सकते हैं नहीं लिख देते हैं जीरो कॉमा जीरो एंड ये वैल्यू है माइनस पाई बाई टू कॉमा माइनस वन तो देख सकते हो आप इस तरीके से ये चलता है और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है जहाँ पे हमेशा यूनिक वैल्यू मिलती हैं वो माइनस पाए बाई टू से पाए बाई टू होती है वो आई में हमें ज़्यादा यूज़ होता है ठीक है लेकिन जो आपका सोल्यूशन होता है जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो से टू पाए यानी ये जो होगा ये वाला जो एरिया है आपका ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे इसको पिंक से शेड कर दिया दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल सोल्यूशन तो ये होता है आपका एफिक्स इक्वल्स टू साइनिक्स का ग्राफ आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये आपका साइनक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है सिमिलर तरीके से सिमिलर वे से आप कॉसिक्स का ग्राफ भी बना सकते हो देखो पहले लाइंस बना लीजिए उसके बाद लिखते हैं बेटर ठीक है देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ क्रिएशन कर रहा हूं एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का अगेन जो मैंने आपको दो बातें बताई यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी है वो बातें ये हैं कि इसका डोमेन और इसका रेंज पता होना चाहिए तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अगेन रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ जस्ट माइनस वन से वन यानी इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू वन होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होगी ठीक है ये इसका कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ओके okay? ये आपका वाई एक्सेस हो गया या आपका एक्स एक्सेस हो गया अब एक चीज़ बस ध्यान देनी है बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए वो बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि वन और जीरो होता कहाँ पे तो देखो कॉस जीरो ही आपको वन देता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सिस दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस समथिंग लाइक दिस एंड एक सेकंड रुकना समथिंग लाइक दिस तो इस तरीके से ये इन्फिनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड होता रहता है तो ये जो आपकी वैल्यू है जहाँ पे ये कट कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट है तो इसको मैं कह सकता हूँ जीरो कॉमा वन हाईएस्ट पॉइंट पे ये होता है और ये जीरो कब होता है जीरो होता है पाए बाई टू पे तो पाए बाई टू पे हमें यहाँ पे ज़ीरो देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज़ नो ये पाए वैल्यू है ये आपकी पाए वैल्यू है और पाए पे आपको ये वैल्यू माइनस वन मिलती है अगेन यहाँ पे आते आते देखो ये पाई बाय टू था फिर पाई बाई टू फिर पाई बाय टू तो ये बन जाएगा आपका थ्री पाई बाई टू दिस वैल्यू इज नथिंग बट थ्री पाई बाय टू कॉमा जीरो तो एक चीज हम देखते हैं कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे हमारा ये ग्राफ जीरो हो जाता है तो यहाँ पे भी देखो ये माइनस पाए बाई टू कॉमन जीरो है।, है ना और ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस पाए बाय माइनस पाई कॉमा माइनस वन है तो ये वैल्यूज पीछे आपकी चलती रहेंगी ये माइनस थ्री पाए बाय टू कॉमा जीरो ठीक है तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज चलती रहती हैं आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट दिस पॉइंट सॉरी इसको लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट है माइनस पाई कॉमा माइनस वन ठीक है तो इस तरीके से आपका ये एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ भी बन जाता है आई होप दिस इज क्लियर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है बस थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है समझने वाली अब आते हैं और बेहतरीन चीज़ पर जिसको थोड़ा सा समझना भी डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी बट नॉट इंटायरली नॉट इंटायरली एक बार इसको आप समझ गए तो आपको अच्छा लगने लगेगा अपने आप ही तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो टैन एक्स है अगर मैं बोलूँ मेरा जो फंक्शन है वो टैन एक्स है अब इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर तो होता है लेकिन एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर Odd multiple of pi by 2 except for odd multiple of pi by 2 और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो आपका n है वो क्या है वो एक इंटीजर है तो ये डोमेन होता है बाकी इसकी जो रेंज होती है वो तो सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं तो माइनस infinity से infinity आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये आपकी रेंज होती है सो so, equals इक्वल्स टू x का कुछ कहानी इस तरीके से चलती है अब इसका जो ग्राफ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा वो भी समझ लो ग्राफ समझना इज़ वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है उसकी वर्किंग एक बार समझ गए तो जिंदगी आपकी सेट है तो देखो जो चीज मैंने बोली वो यहां पे लिख भी देते हैं तो हमें मालूम है बचपन से पढ़ते आए हैं कि tan नाइनटी नॉट डिफाइंड है उसी लॉजिक का यूज करके यहाँ पे हम ग्राफ का क्रिएशन करेंगे आपका एक्स एक्सिस एंड एक्सिस This is x, this दिस x dash, this is y and this is y dash. तो इसके ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है तो देखो ग्राफ़ इसका बनता किस तरीके से हमें उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जहाँ पे ये वैल्यूज़ जीरो हो रही होंगी तो मुझे मालूम है कि पाई बाई टू पे ज़ीरो है तो माइनस पाए बाई टू पर भी ये सॉरी नॉट डिफाइंड है तो पाए बाई टू देखो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ये आपका एक्स इक्वल्स टू पाए बाई टू वाली लाइन है सीधी बनना भाई हाँ ये आपका x इक्वल्स टू पाई बाय टू वाली लाइन है ये आपकी x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू वाली लाइन है इसको तो थोड़ा सा और लेफ्ट में करें बेटर सिमिलरली यहाँ पे थोड़ी दूरी पे और ये लाइन इधर बनेगी ठीक है एक लाइन और बना लेते हैं इस तरीके से इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए भाई वो ज़रूरी है यहाँ पे भी ये लाइन है और एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं ठीक है कुछ 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 इस तरीके से आपकी ये लाइंस देखने को मिलती हैं अब ये जो मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू टैरक्स डिफाइन नहीं होता और इसी को हम कहते हैं एसेम टोट्स जहाँ पर वैल्यू डिसकंटीन्यूस हो जाता है जिस पॉइंट पे वैल्यू डिसकंटीन्यूस हो जाती हैं वो लाइन्स यहाँ पर आपकी एसेम टोट्स कहलाती हैं ठीक तो है तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बनाए हैं तो ये जो पॉइंट है आपका इसको लिख लो देखो ये जो आपके पॉइंट्स है ये क्या है ये आपका पाई बाय टू है ये आपका थ्री पाई बाय टू है ये वाला पॉइंट आपका फाइव पाई बाय टू है सिमिलरली ये वाला पॉइंट है माइनस पाई बाई टू ये वाला पॉइंट है माइनस थ्री पाई बाय टू है ना और ये वाला पॉइंट है माइनस फाइव पाई बाय टू अब इसके जो लाइंस बनती हैं जो ग्राफ बनता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनता है देखो हमें मालूम है टैन जीरो पर वैल्यू जीरो होती है और टेन नाइन्टी पे नॉट डिफाइंड होती है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाती है तो यहाँ से कुछ ग्राफ होता है वो इधर इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाता है तो एकदम चिपका चिपका के रखना है लेकिन छुवाना कभी नहीं है क्योंकि पाए बाई टू पर वैल्यू डिफाइंड कभी नहीं होगी सिमिलरली सिमिलरली एग्जैक्टली बीच से देखो ये पाई एट ये पाए वाली वैल्यू है तो जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से जाता जाएगा और यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से जाता जाएगा छुएगा कभी नहीं सिमिलरली यहाँ पे भी ग्राफ कुछ आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा यहाँ पे कुछ ये डिक्रीजिंग तरीके से जाएगा ओके सिमिलरली इधर भी देखो कुछ कुछ इधर छूता हो जाएगा टच कभी नहीं करेगा टच नहीं कराना है टच कराओगे तो गलत हो जाएगा कुछ यहाँ पे ये ग्राफ गया एंड कुछ कुछ यहाँ पे इस तरीके से गया ये आपका एफ एक्स इक्वल्स टू का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है

कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ जाते हो ये वैल्यू ऊपर जाती है जैसे कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ जाते हो ये वैल्यू ऊपर जाती है तो एक काइंड ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन है काइंड ऑफ अ इंक्रीजिंग फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है अब यही ग्राफ अगर मैं बनाऊँ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स के लिए तो मुझे सबसे पहले इसका डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा तो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर एन पाई एन एन बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है यहाँ पे हमारा कॉटेक्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता ऑल दो जो इसकी रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होती है मतलब ऑल रियल नंबर इसकी रेंज में आते हैं ठीक है सिमिलर बेसिस पे इसका भी अगर मैं वो बना लूँ ओके ठीक है ठीक है तो ये चीज़ देखो मैंने बना ली यहाँ पे अब जो एस एम टोट्स होंगे वो एन पाई पे नॉट डिफाइंड है वो एन पाई पे नॉट डिफाइंड है तो अगर एन पाई की यहाँ पे बात करी जाए तो बेसिकली पाई वाली मल्टीपल्स हैं वो तो थोड़ा थोड़ी दूरी पे हम ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको सीधा कर लिया जाए ओके वॉट लाइक दिस तो कुछ इस प्रकार का आपका ये बन जाएगा ठीक है तो आपको ग्राफ यहाँ पे बनाना है देखो जो टैनिक्स था कॉटेक्स काटेक्स तो की वैल्यू जाती है वो देखो कुछ इस तरीके से जाएगी कुछ यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री को टच करते हुए इधर जाएगी तो 90 पे वैल्यू जीरो होती है क्योंकि कॉस्ट 90 आपका जीरो होता है तो कुछ कुछ इसको टच कराते हुए लाते हैं हम्म ये वाली चीज थोड़ा सा बनाना पेचीदा चीज बन जाती है वेट यहाँ से वैल्यू आ रही है आ रही है बेटर सम वॉट बेटर थोड़ा सा और या बेटर एक फ्री हैंड ड्राॅइंग को ज्यादा अच्छी बन जाती है गया yeah. तो ये आपका एफ एक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स का ग्राफ बन जाता है ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जीरो हो रहा है ये पॉइंट्स पाई बाई टू है ये आपका पॉइंट्स पाई बाई टू हो गया ये थ्री पाई बाई टू हो गया ये आपका फाइव पाई बाई टू हो गया ठीक है और जहाँ पे ये एस टोट है देखो y एक्सिस भी इसका एक खुद का एस टोट बन जाता है तो ये जो ग्राफ है एफ एक्स का ग्राफ आपको देखने को कुछ इस प्रकार का मिलता है सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ग्राफ भी समझ में आ गया टेनिक्स का ग्राफ भी समझ में आ गया ये पॉइंट माइनस पाए बाई टू हो गया ये माइनस थ्री पाए बाई टू एंड ये आपका माइनस में फाइव पाए बाय टू हो जाएगा ठीक है तो ये सारे सारे ग्राफ हमने यहाँ पे बात करी अब बात करते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन ग्राफ की विच इसवल्स टू सेकैक्स सेकैक्स एंड कोसेकस अब जो सेकेक्स का बनाएंगे वही हम कोसेकस में री कर सकते हैं देखो कैसे यहाँ पे जो डोमेन होगा डोमेन देखो इसका इंटरेस्टिंग डोमेन है इसमें सारे के सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट सेम दैट ऑफ टैन वाले तो रियल नंबर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाए बाय टू और यहाँ पे जो एन है वो एक इंटीजर है सिमिलरली जो इसकी रेंज होगी अब देखो रेंज में थोड़ा सा कमी आती है इसकी रेंज क्या होती है देखो माइनस इन्फिनी से माइनस वन होती है और यूनियन वन से इन्फिनीटी होती है ये समझने वाली बेटा बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर नहीं है माइनस वन से वन के बीच में आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी तो ये यह आपकी यहाँ पे रेंज हो जाती है तो चलो बना लेते हैं इसका भी ग्राफ इसका यहां पर ग्राफ बना लिया जाए सेकेंड बेटर थोड़ा उसको पकड़ लिया जाए अब इसकी जो एस एम होंगे वो देखने वाली बात है कहाँ कहाँ होंगे एंड कहाँ पे वैल्यूज हमारी डिफाइन नहीं होंगी पहली बात तो ये जो आप एस टोट्स हम बनाएंगे वो पाई बाई टू वाले पे होंगे जैसे हमने भी टेनक्स का ग्राफ़ बनाया था तो एक्जैक्टली exactly टनिक्स वाला ग्राफ हम यहाँ पर चेप्स मतलब छाप सकते हैं तो ये कुछ इधर इस तरीके से बना था पाई बाय टू पे देन आपका इतनी ही दूरी पे माइनस पाए बाय टू पे ठीक है देन कुछ इतनी दूरी पर मतलब पाई पाई की दूरी आनी चाहिए यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है पाई पाई का डिफरेंस होगा यहाँ पे भी सेम कुछ इस तरीके से एंड लास्टली देयर ओके ठीक है ना वर्क्स ठीक है और ये वैल्यूज़ तो हो गए ऐसे जहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं होंगी अब इसके बाद एक वैल्यू मैं और बनाऊँगा जहाँ पे एक वैल्यू मैं और बनाऊँगा यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये रेंज आएगी अब देखो रेंज यहाँ पे माइनस वन और वन से ऊपर ही होनी चाहिए तो कुछ ये वैल्यू में बना लेता हूँ इस तरीके से एक लाइन मैं इस तरीके से येलो वाली बना रहा हूँ ये येलो वाली लाइन वो एरिया है ये येलो वाली लाइन वो एरिया है जहाँ पे मेरी वैल्यूज़ लाए नहीं कर सकती या मेरा ग्राफ नहीं पहुँच सकता ठीक है येलो वाली रीजन वो एरिया है जहाँ पर मेरा ग्राफ नहीं पहुँच सकता तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है वन और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है माइनस वन ऑन द वाई एक्सिस ये वाई है ये वाई डैश ठीक है ऑन द वाई एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जो ग्रीन वाला देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ये एक्स डैश हो गया ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से बनेगा ओके तो सेकिक्स की हम बात कर रहे हैं सेकेिक्स वन कब होता है सिक्स वन होता है जीरो डिग्री पर सिक्स वन कब होता है जब कॉस सिक्स वन होता है विच इज एट जीरो डिग्री तो इसके जो ग्राफ बनेंगे बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बनते हैं वो ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे वो जो ग्राफ होंगे वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे ठीक है मतलब नीचे आया वन कुछ ही होगा ऊपर चला गया सिमिलरली जो अगला ग्राफ होगा वो अगले उसमें होगा तो ये ऑल्टरनेट इसमें बनते जाते हैं तो अगला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा समथिंग लाइक दिस माइनस वन को टच किया टच करेगा एंड नीचे चला जाएगा फिर अगला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा वन को टच करके फिर ऊपर चला गया देन अगला जो पॉइंट है वो इस तरीके से जा रहा है और देखो येलो लाइन को ही टच कर रहा है येलो लाइन को टच करके फिर नीचे चला गया यहाँ पे भी समथिंग लाइक दिस ओनली टच करके फिर ऊपर चला गया अब इन पॉइंट्स को भी डिफाइन कर सकते हो जैसे इनको अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू लिख लूँ वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ठीक है सो लेट्स राइट द वैल्यूज एज़ वेल तो ये जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट जो है वो जीरो है एक्स एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है ये पाई बाई टू है मैंने बोला ना इसी पे डिफाइन नहीं होता है ये जो पॉइंट है आपका ये थ्री पाई बाई टू है ये क्या है ये आपका थ्री पाई बाय टू है ये वाला जो इसमटोट है ये फाइव पाई बाय टू है ये वाला इसमटोट वाइट वाला माइनस पाए बाई टू है ये वाला आपका माइनस थ्री पाए बाई टू है एंड ये वाली वैल्यू माइनस फाइव पाए बाय टू है तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को यहाँ पे मिलेंगे बेहतरीन अच्छे अच्छे तरीके से ठीक है आई होप दिस इज क्लियर बेहतरीन ग्राफ है कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरीके से आपका ये सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा ठीक है इस तरीके से आपका ये सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा अब इसी को ना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको कोसक एक्स में कन्वर्ट करते हैं देखो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स की जगह कोसेक एक्स और यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी बस थोड़ी सी बाकी सब सेम है ओके बाकी एवरी थिंग इज फाइन देखो एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मैं कोसेक एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये वो जगह पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे साइन जीरो होता है तो एन पाए पे ये डिफाइन नहीं है एन एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर बाकी सब सेम है एवरीथिंग रिमेन्स सेम बस ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी थी तो थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए और इधर कर लिया जाए ठीक है ये लो इसको ओके दिस इज स्कूल दिस इज स्कूल ठीक है ये बना लिया कुछ तरीके से इसका डोमेन फंक्शन यही हो गया अब देखो मुझे करना क्या है मुझे करना कुछ ज्यादा नहीं है ये जो एस एम टोट्स थे ये जो एस एम टोट थे बस थोड़ा थोड़ा से शिफ्ट हो जाएंगे जो एस एम टोट्स थे वो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ तो बेसिकली ये आपकी जो वैल्यू है हट जाएगी यहाँ से हटा दो इसको ओके ओके जस्ट सेकेंड पूरा बनाने से बेटर है कि मैं इसको थोड़ा सा मोडिफाई कर दो ठीक है तो देखो पाए बाय टू पे ये वैल्यू डिफाइन होगी पाई बाय टू पे वैल्यू ये आपकी वन हो जाएगी हो जाएगी ना तो देखो जो ये है एकदम एग्जैक्टली exactly मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ द ओनली थिंग आई नीड टू चेंज इज़ द पोजिशन ऑफ द वाई एक्सेस इज़ द पोजिशन ऑफ द वाई एक्स तो वाई एक्सेस को मैं उठा के मैं इधर कर दे रहा हूँ वाई एक्सेस को मैं उठा के अगर मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ उसको थोड़े डिस्टिंगटिव लगे ओके दिस इज़ गुड हो जाए भाई बेटर और वर्स आई होप बेटर है uh, उसको थोड़ा सा और बड़ा नहीं कर सकते मच बेटर ठीक है तो मैंने वाई एक्सेस को थोड़ा सा यहाँ पे देखो बड़ा कर दिया है कुछ इस प्रकार का ये बन गया है वाई एक्सेस बाकी अब मेरा एकदम सेम है जो बना है वो एकदम आइडेंटिकल ग्राफ है किसका वो ग्राफ है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू कोशिक एक्स का यही ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल्स टू कोशिक एक्स का कि इसके जो एसेम टोट्स होते हैं वो क्या होते हैं जीरो पाई टू पाई थ्री पाई एंड सो ऑन देखो पाई पाई का गैप था ये आपका हो जाएगा माइनस पाई एंड माइनस टू पाई एंड सो ऑन ये ग्राफ बनेगा ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है वैल्यू आ, आ रही है आपकी पाई बाय टू पाई ये वैल्यू आ रही है पाई बाई टू पे और बाकी ये भी चीज़ जो मैंने लिखी थी एकदम सेम है ये जो चीज़ मैंने लिखी थी दिस पॉइंट इज़ ये जो पॉइंट है ये y इक्ल्स टू वन है ये आपका पॉइंट जो है y इक्ल्स टू माइनस वन है बाकी एवरी थिंग रिमेन्स द आपका x एक्स एंड y एक्सिस की बस मैंने थोड़ी सी जगह बदल दी थी बाकी कुछ भी गलत नहीं है ठीक है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू कोसिक्स का सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू बढ़िया तरीके से एकदम मस्त तो ये आपके ग्राफ्स होते हैं एक बार आपने ग्राफ समझ लिए ये छह ग्राफ्स तो आपने बहुत चीज़ें समझ ली हैं अच्छे से एकदम बढ़िया से समझ लिया ठीक है ठेके? अब बात करते हैं एक नई चीज़ की दैट इज़ जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पे हम प्रिंसिपल सोल्यूशन की और जनरल सोल्यूशन की देखो सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द प्रिंसिपल सोल्यूशन द जनरल सोल्यूशन दो डिस्टिंक्टिव चीजें और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन सो प्रिंसिपल सोल्यूशंस एंड जनरल सोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी सोल्यूशंस हैं ऑल द सोल्यूशंस ऑल द सोल्यूशंस इन द इन द इंटरवल कौन से इंटरवल में जीरो से टू पाई के बीच में मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हो उसके बीच में जितने भी सोल्यूशंस आ जाए वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है इन जनरल सोल्यूशन होता है कि ऑल द सल्यूशंस ऑल द सल्यूशंस ऑल द सोल्यूशंस इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो सारी एक्स की वैल्यूज के लिए आपको जनरल सोल्यूशन निकालना होता है एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन फॉर द वैल्यूज जो जीरो से टू पाई के बीच में लाइक कर रही है अब इसमें मैं साइनक्स की बात करूं अगर मैं लिखता हूँ साइनक्स को इक्वल्स टू जीरो ठीक है इफ़ आई राइट साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो तो कौन कौन सी एक्स के वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड होगा तो अब देखो अगर मैं बात करूँ इसके प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन की प्रिंसिपल सोल्यूशन जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा दैट इज जस्ट इन जीरो एंड पाई राइट दैट इज जस्ट इन जीरो एंड पाई मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो और पाई होगी यही हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है लेकिन अगर इसके जनरल सोल्यूशन की मैं बात करूं जनरल सोल्यूशन इसको मैं समझा पे नाउ डोंट वरी तो एक्स की वैल्यू मतलब ये जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो साइनिक्स है वो जीरो कहाँ का है आप ये इसको ध्यान से देखो इस पॉइंट पे जीरो था इस पॉइंट पे जीरो था इस पॉइंट पे तो जीरो से टू पाई में दो जगह ऐसी थी जहां पे मेरे को एक्जैक्टली exactly जीरो मिल रहा है टू पाई को इंक्लूड नहीं करना राइट right? और जो जनरल सोल्यूशन होता है वो पूरे ग्राफ में पूरे ग्राफ में पूरे एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ मुझे जीरो मिल रहा है देखो माइनस पाई पे मिलेगा माइनस टू पाई पे भी मिलेगा पाई पे मिलेगा टू पाई पे थ्री पाई पे फोर पाई पे जीरो पे, पे भी मिलेगा तो इस तरीके से सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सल्यूशन ठीक है तो जनरल सोल्यूशन में क्या होगा जनरल सोल्यूशन में होगा दिस विल बी एन पाई ठीक है जनरल सोल्यूशन क्या होगा एन पाएन बिलोंग्स टू योर इंटीजर एन हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए तो ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है और जीरो से टू पाए के बीच में जितनी वैल्यूज आएंगे एक्स की वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल सोल्यूशन ठीक है अब कुछ कुछ फॉर्मुलेस हमें याद रखने होते हैं जनरल सोल्यूशन के एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन के डिपेंडिंग हम कौन सी इक्वेशन तो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है इवन अगर आपको कॉट दिया भी है उसको टैन में कन्वर्ट करो देन सोल्यूशन निकाल लो तो तीन चीजें होती हैं तीन फॉर्मुलेज होते हैं उन फॉर्मुलेज का थोड़ा सा ध्यान रखना तो अगर यहां मैं बात कर लू फॉर्मुले टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ठीक है प्रिंसिपल सोल्यूशन तो आप देख के ही बता सकते हो बट जनरल सोल्यूशन क्या होगा वो बताने के लिए हमें क्या करना है समझो इज टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ठीक है तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हो सबसे पहले तो अगर मैं बात कर रहा हूं पहली चीज की अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन फॉर साइने इक्वल्स टू साइन अल्फा अल्फा क्या है अल्फा इज जस्ट एक प्रिंसिपल सोल्यूशन वन ऑफ द प्रिंसिपल सोल्यूशन है उसमें अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा ठीक है माइनस वन की पावर एन इं टू एल्फा और जो आपका एन होता है यहां पे क्या होता है सब में इंटीजर होता है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ध्यान रखना जो आपका एन होता है यहां पे वो एक इंटीजर हो जाता है तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर सोल्यूशन साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एल्फा दूसरे की मैं बात कर रहा हूं द जनरल सोल्यूशन फॉर कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एल्फा ये बहुत ईजीज है कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एल्फा की अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस जनरल सोल्यूशन इज एक्चुअली इजियर टू रिमेंबर सिंपली टू एन पाए प्लस माइनस एल्फा होता है मैंने बोला था कि ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सेस तो इसका जो सल्यू सोल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाए प्लस माइनस एल्फा दैट्स इट ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर ओके बेटर और एन बिलोंग्स टू ऑबियसली इंटीजर सब में n क्या है n आपका इंटीजर ही रहेगा इंटीजर ही रखना है ठीक है तीसरी बात कर लेते हैं या यहीं पे कर लेते हैं हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है जगह बहुत है ओके okay, देखो तीसरी बात है द जनरल सोल्यूशन जनरल सॉल्यूशन फॉर tan एक्स इक्वल्स टू टैन alpha. देखो इसका तो सोल्यूशन निकालने निकालना है लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और लिखना चाहूंगा अभी जब स्क्वायर क्वांटिटी होगी तब क्या करना होगा तो फोर्थ वन जो होगा वो यही है कि जनरल सोल्यूशन फॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी में चीज़ें चेंज हो जाती हैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एल्फा एंड टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर एल्फा अब इन तीनों का जो जनरल सूशन है वो भी निकालना आसान है इसका भी निकालना आसान है तो ये होता है बेटा एक्स इज एकवल्स टू एन पाई अगर इसकी ग्राफ को अगर आप नोटिस करोगे तो ये इंक्रीजिंग चलता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है हर बार तो एन पाई प्लस एल्फा तो इंक्रीजिंग में चल रहा था सिमेट्रिक नहीं था तो प्लस अल्फा हमें करना था और एन बिलोंग्स टू योर इंटीजर इसका ध्यान से रखना बस देखो इसका भी ऊपर से सेम रहेगा टेन एक्स की तरह ही है द ओनली डिफरेंस इन तीनों का जो होगा वो सेम है इन तीनों का जो है वो सेम है इसका जनरल सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू एन प्लस माइनस एल्फा द ओनली चीज यहाँ पे क्या है प्लस एंड माइनस एल्फा और एन बिलोंग्स टू योर तो ये हमने सबका जनरल सोल्यूशन की यहाँ पे बात कर ली ठीक है सॉरी ये हो गया एंड ये हो गया तो आई होप आपको सबके जनरल सोल्यूशन के फॉर्मुले समझ में आ गए अब जरा क्वेश्चन कर लें एक दो ताकि आप क्लियर कर पाओ रिलेट कर पाओ कि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं ठीक है कुछ चीजें कुछ क्वेश्चंस तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि इफ साइन एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन ठीक है अब अगर मुझे जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इसके लिए तो सबसे पहले साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वन टू वन ऑफ द प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है विच इज पाई बाय सिक्स ठीक है वन बाय टू आता थर्टी डिग्री पे तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई सिक्स आपका हो जाएगा तो एक लाइन का आंसर है खाली ये कि जो आपका जनरल सोल्यूशन है वो होगा एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और यहाँ पे अल्फा यानी कि ये वैल्यू पाई बाय सिक्स ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया था फॉर्मूला हमने यूज़ किया अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एल्फा लिखा है तो आपको एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और अल्फा लिख देना है तो ये हमने फॉर्मूला यहां पे यूज किया ये फॉर्मूला यहां पे हमने यूज किया तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप आराम से कर सकते हो एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा ये लिखना भी जरूरी है तो कॉमा लगा के जरूर लिखना है एन बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं आपको दे दू टेन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन एक्स इक्वल्स टू रूट ओके तो अगेन हमें क्या करना है टैन एक्स इक्वल्स टू टैन एल्फाम कन्वर्ट करने का तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू टैन ये होता है पाए बाय थ्री यानी कि सिक्सटी डिग्री पे टेन पाए बाय थ्री तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n पाए प्लस पाए बाय थ्री एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है तो आई होप दिस इज अगेन क्लियर बड़ा बेसिक सा था आंसर इसका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर्मुला यूज़ क्या किया हमने वो अभी तक हम पीछे लिखते जा रहे थे समझ लो बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे ताकि आपको बार, बार बार यहां पे याद होता चले तो यहां पे मैंने यूज़ किया है टैन एक्स इक्वल्स टू टैन एल्फा का टैन एक्स इक्वल्स टू टैन एल्फा तो एक्स हो जाएगा एन पाए प्लस एल्फा माइनस नहीं आता और एन बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अरे वो जनरली कुछ भी दिया हो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो जो बेसिक्स पता है अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट इफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टू फाइंड द फाइंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ठीक है कुछ इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं तो ट्राई करो ट्राई ये करो कि पहले खुद से इसको करने का प्रयत्न करो तभी आप इसको समझ पाओगे ठीक है, फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से मैं बता ही चुका हूं कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं आनी चाहिए अभी तक आपने कर लिया होगा। सो सेक्स स्क्वायर एक्स को कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल्स टू टू या फिर सिंपल लैंग्वेज में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू ठीक है अगर कॉस स्क्वायर एक्स वन बाय टू है तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना कि वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर है ठीक है तो कॉस स्क्वायर एक्स इज टू वन रूट टू होता है कॉस फोर्टी फाइव पे यानी कॉस फाइव बाई फोर का होल स्क्वायर तो इस तरीके से भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर अब ये वो वाला फॉर्म बन गया है जब आपका कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एल्फा आता है तो एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस एल्फा होता है और एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो so यहाँ पे जो आपका एक्स का आंसर आएगा दैट वुड बी एन पाई प्लस एन माइनस पाई बाय फोर एंड एन बिलोंग्स टू इन दैट्स इट क्वेश्चन खत्म तो इस तरीके से सा आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको बेसिक वो तीन फॉमलेस पता हैं तो ठीक है एक चीज का हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में रेंज का उसके बारे में दोबारा से बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था रेंज का तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि वॉट इज द रेंज ऑफ वाट इज द रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉसक्स कुछ भी बोला जाए ये सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हो या फिर साइन एन एक्स प्लस कॉस एक्स एन एक्स लिखा हो इस तरीके से अगर आपसे रेंज पूछी जा रही है इसकी पूछी जाए चाहे इसकी पूछी जाए कोई भी हो दोनों में से कुछ भी हो सेम आपको निकालना है ठीक है रेंज हमेशा सेम आएगी इसकी अगर आगे कोई नंबर नहीं लगा है और एंगल्स 2x, 3x, 4x, 5x, 7x, 100x कुछ भी कर दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता जो आपकी रेंज आएगी इसकी खाली वो फिक्स्ड होगी वो होगी माइनस रूट टू से रूट टू तक ठीक है इसकी जो रेंज होगी माइनस रूट टू से रूट टू तक होगी क्यों होगी उसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वो रीज़न ये है कि अगर मेरे को निकालनी है रेंज ऑफ अगर इफ़ आई नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो दिस रेंज कैन बी फाउंड वेरी ईजिली इसकी जो रेंज होती है इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसकी जो रेंज होती है वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है ठीक है ये वाली वैल्यूज आपकी रेंज होती है दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ठीक है तो अगर y की वैल्यू ये है अगर आपकी y की वैल्यू ये इस तरीके से कह लो तो y की जो रेंज होगी वो यहाँ से ये आएगी ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू समझ में आ गया तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ अब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि फाइंड दोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फाइंड दिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थ्री एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू इसकी आपसे रेंज पूछ ली गई ठीक है मतलब इसके आपसे प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा गया क्वेश्चन नहीं है इससे आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ लिया गया अब एक चीज़ समझो जो रेंज होती है इसकी मैक्सिमम इन वैल्यू मैंने बोला एन एक्स हंड्रेड एक्स क्यों ना कर दो कुछ भी कर दो यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसको मैं वाई वाई क्या लिखना या ऐसे लिख दो कि बाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थ्री एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स है ना इस तरीके से है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ रूट टू होगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट टू होगी और हमें सल्यूशन में दिया है टू लेकिन जो टू है वो रूट टू से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना टू इज़ मच ग्रेटर देन रूट टू टू इज़ ग्रेटर देन रूट टू जो एक्चुअल में हमारी मैक्स वैल्यू हो सकती थी तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थ्री एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इक्वल्स टू टू ये जो इक्वेशन है ये हमारी इम्पॉसिबल इक्वेशन है दिस इज आर इम्पॉसिबल इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है इसी यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करूं तो इसका जो आंसर आएगा इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन का जो आंसर आएगा वो आएगा नो सोल्यूशन एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है इसीलिए इसका जो आंसर क्या होगा वो आएगा नो no सोल्यूशन कोई सोल्यूशन इसको एक्स की सेटिस्फाई नहीं करेगा ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो क्वेश्चन हमेशा आपको जेई मेन्स में इसी तरीके से मिलते हैं जनरली आपको पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए भाई फाइन द नंबर ऑफ solutions. तो इसको करने के ना तीन तरीके फाइन द नंबर ऑफ solutions को करने के आपके पास तीन तरीके वो तीन तरीके तीनों तरीके समझते हैं कि करके पहला तरीका क्या है ग्राफ करो है ना एनालाइज फ्रॉम ग्राफ एक तरीका तो आपका यही है एनालाइज फ्रॉम ग्राफ कई लोग ग्राफ से बड़े डरते हैं उनको डर लगता है यार कैसे होगा होगा नहीं होगा होगा या नहीं होगा कैसे करना होगा दूसरा जो तरीका है वो है लॉजिकल एनालिसिस दूसरा जो तरीका है वो है लॉजिकल एनालिसिस देख के आप समझ सकते हो जैसे कि ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया ये लॉजिकल एनालिसिस पे था लॉजिकल एनालिसिस पे था तीसरा जो तरीका है कि भैया सॉल्व कर लो सॉल्व एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स सॉल्व एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स तो ये तीन तरीके हैं जिसमें जो ये तरीका वो मेरा फेवरेट है ग्राफ वाला ग्राफ वाला जो तरीका मेरा फेवरेट है और आसान सबसे यही है कि किस तरीके से करना है जैसे कि, कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जई मेन्स का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस द नंबर ऑफ सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मॉड कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स जब इन इक्वालिटीज में पढ़ा रहा था उसमें एक चीज मैंने बताई थी ग्राफ करते हुए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट लोगे वही आपके नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं अब यहाँ पे बस एक चीज़ और है कि सच दैट सच दैट जो आपकी x की वैल्यू है जो x की वैल्यू है वो फोर पाई से माइनस फोर पाई के बीच में ही रहे इससे ज़्यादा ना हो इससे कम ना हो और इसके कितने सोल्यूशन आपके एग्जिस्ट करते हैं ऑप्शन ए था आपका छः सोल्यूशंस ऑप्शन बी था सेवन सोल्यूशंस ऑप्शन सी था ऑप्शन सी था एट सोल्यूशंस एंड ऑप्शन डी था ट्वेल्व सोल्यूशनस ठीक है ये आपका बेसिक बेसिक मोटा मोटा क्वेश्चन है तो एक रफ ग्राफ इसका बना के कोशिश करते हैं कमेंट करने की इसके सोल्यूशन पे कि कितने सोल्यूशन पॉसिबल थे इसके देखो तो इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे जीरो से फोर पाए हमें बनाना है तो बिल्कुल बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हमें करना बस इतना था कि सेपरेट ग्राफ बना लेना है मॉड ऑफ कॉसिक्स का और साइनिक्स का ठीक है तो यहाँ से मैं ग्राफ बनाऊंगा बहुत अच्छे से ग्राफ बनाऊंगा समझना मॉड ऑफ कॉसिक्स का मतलब क्या है जैसे कि कहीं कॉशिक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है जो कॉशिक्स का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है अब मॉड से क्या होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा UH है उठ के ऊपर चला जाता है इस तरीके से है ना बस यही होता है मॉड से कुछ भी फर्क इसमें नहीं पड़ता मॉड पर तो जो मॉड ऑफ तो कॉशिक्स का ग्राफ है उसको मैं नीले कलर से बना रहा हूँ ठीक है जो मॉड ऑफ कॉशिक्स का है ऐसे लिख दो y इज इक्वल्स टू मॉड कॉसिक्स ग्राफ मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ तो वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा ठीक है थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो गया छोटा करते है समथिंग लाइक दिस आपको इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा जो नीले कलर से बने वो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है और जो पीले कलर से बना रहा हूँ वाई इक्वल्स टू तो साइनक्स का ग्राफ बना लेता हूँ वाई इक्वल्स टू तो साइनक्स का ग्राफ बनाते हैं अब देखो ये पॉइंट्स क्या है ये पॉइंट्स आपका जीरो होता है ये पाई बाय ये क्या होता है ये पाए बाई टू होता है तो दिस इज पाए दिस इज टू दिस इज थ्री राइट दिस इज थ्री और यहाँ पर कहीं ये फोर आ रहा होगा यहाँ पर कहीं फोर है यहाँ पर भी ये माइनस है ये माइनस का टू पाई है ये माइनस का थ्री पाई है ये माइनस का फोर पाई आ रहा है ठीक है कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारी बन रही थी अब जो साइनिक्स का ग्राफ होता है वो जीरो से शुरू होता है और कुछ इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू बन जा के और पाई बाई से नीचे जाता है कुछ इस तरीके से ना फिर पाई बाई टू से ऊपर आएगा फिर यहाँ पे कट करके थ्री पाई से जाएगा फिर इससे ऊपर आएगा और ये कहीं कट नहीं कर करा इसके बाद ये कुछ इस तरीके से बना सिमिलरली यहाँ से भी नीचे आया यहाँ पे कट किया फिर ऐसे आया फिर नीचे कट करेगा फिर इस तरीके से आएगा और इस तरीके से बढ़ता जाएगा अब मुझे इतना देखना है खाली अपने अंधे अंध, अंध, मतलब आंखें खोल के बस इतना देखना है कि ये जो येलो वाला ग्राफ है वो ब्लू वाले ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रहा है तो देख सकते हो एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये, ये हो गया इसके आगे कर नहीं रहा और इसके आगे मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे फोर माइनस फोर पाई से फोर पाई पर ही रहना था तो चार इस साइड मिलेंगे और चार सोल्यूशन आपको इस साइड देखो मिलेंगे मतलब ये जहां पे कट करेंगे दूसरे को वो मेरे नंबर ऑफ सोल्यूशन बन जाएंगे तो मुझे सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं पड़ी और मेरा आंसर आ गया एट खत्म समाप्त से एनालाइज करके इस तरीके से एनालाइज करके मैं कोई भी सोल्यूशन निकाल सकता हूं ठीक है मैं कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन आराम से निकाल सकता हूं तो ग्राफ इज वन वे टू गो एल और आर का आपको डिफरेंट ग्राफ बना के उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लेने थे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाता ठीक है तो दिस इज दो का क्वेश्चन यह आपका जो क्वेश्चन था वो जेई 2022 का क्वेश्चन था जे 22 ठीक है so, सो बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे ठीक है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यह हमारा जो तरीका था ये तरीका हो गया आपका इस तरीके से करने का मतलब ग्राफ से करने का ओके तो इसमें जितने सोल्यूशन बना लो जितने भी तरीके से कर लो करोगे आप यही आराम से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ओके okay? एक हम बल कर लेते हैं क्वेश्चन जब एक्स की वैल्यूज हम निकाल के कर रहे हो उसको भी देख लेते हैं जब एक्स की वैल्यूज निकाल के कर रहे हो तो उसको कब क्यों कब ट्राई करना है देखो अलग यहाँ पे ग्राफ है एलेचे में एल एच में अलग ग्राफ है साइन एक्स का अलग अलग बनाया जा सकता है कभी कभी ऐसा आता है कि ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जैसे ये अला क्वेश्चन द नंबर ऑफ सोल्यूशन The number of solutions of tan x plus sec x, tan x plus sec x, is equals to two cos x, is equals to two cos x, in interval zero to two pi, in interval zero to two pi. इज़ नंबर ऑफ़ सोल्यूशन इन इंटरवल जीरो से टू पाई इज़ वॉट तो ऑप्शन ए इज़ टू ऑप्शन बी इज़ थ्री ऑप्शन सी इज़ ज़ीरो ऑप्शन डी इज़ वन ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी और इसको आपको सॉल्व करना था तो कॉपी पेन उठा लीजिए और सॉल्व करने का चेष्टा करिए एक्स की आपको वैल्यू निकालना है एल एच सी सारे चीज़ बराबर करके सिम्प्लीफाई करना है कितनी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी बस इतना ही देखना था और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों एक एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में लेके आओ मतलब सिंगल ट्रिंगोमेट्रिक आइडेंटिटी में लेके आओ और एक्स की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो ठीक है आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अब तक इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना था और क्या क्या, क्या देखना था अब टेन एक्स प्लस एक लिखा है तो सबसे पहले तो बेसिक आइडेंटिटी में कर दो तो साइन एक्स प्लस कॉसिक्स प्लस वन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉसिक्स बन जाए ठीक है तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू

इक्वल्स टू ज़ीरो तो यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स और यहाँ पे माइनस में टू वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स हमारा ओपन होगा इक्वल्स टू जीरो अब इन दोनों में मुझे वन प्लस साइन एक्स को कॉमन लेना था याद रखो मैंने काटा नहीं काटना नहीं है वरना आपका कट सकता है और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा वन माइनस टू माइनस टू प्लस टू साइन एक्स ठीक है तो यहाँ से मैंने क्या किया माइनस टू को अंदर लिया तो माइनस टू एंड प्लस टू साइन एक्स आ गया इज़ इक्ल्स टू जीरो तो मेरे पास बचा वन प्लस साइन एक्स इन टू यह आ जाएगा टू साइन एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू जीरो तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू समथिंग बन गया तो यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी मेरे को एक मिलेगा साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन और साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू साइन एक्स की वैल्यू वन अपॉइंट टू ये वैल्यूज मिलनी मुझे तो इसमें से जो ये वाली वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी ये रिजेक्ट हो गई खटाक से क्यों रिजेक्ट हो गई बेटा रिजेक्ट इसलिए हो गई क्योंकि माइनस वन माइनस पाई बाई टू पर आता है जो माइनस वन होता है वो माइनस पाई बाई टू पर आएगा तो इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ और जो दूसरी वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू यहाँ पर लिख लेता हूँ जो दूसरी वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू तो यहाँ से बेसिकली मुझे क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू एक पाई बाई सिक्स पर मिलेगा और एक सोल्यूशन और मिलेगा फाइव पाए बाई सिक्स पे एन uh, पाए हाँ फाइव पाए बाई सिक्स पे मिलेगा और फाइव पाए बाई सिक्स पाई के अंदर है इसके आगे, आगे आप नहीं बढ़ सकते तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पे मुझे साइनक्स की वैल्यू वन बाई टू मिलेगी और यही मेरे दो सोल्यूशन मेरे को मिलेंगे ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब इसके रिजेक्ट होने का एक रीज़न और है इसके रिजेक्ट होने का एक रीज़न और है कि साइनक्स की वैल्यू अगर माइनस पाए बाई टू आ रही है तो यानी कि भाई साइनिक्स की वैल्यू साइन माइनस पाए बाय टू है और जो टैन है हमारे क्वेश्चन में बच्चों दिया था टेन है ना इसकी बात तो ठीक है जीरो से टू पाई की अब जो ये वैल्यू है ना टेन uh, एक्स की अब टैन पाए बाय टू डिफाइंड ही नहीं है कॉस पाए बाय टू डिफाइंड ही नहीं है तो रिजेक्ट होने का मेरा जो मेन रीज़न था वो रीज़न ये था कि टैन पाए बाई टू कॉस पाए बाई टू से पाई बाई टू तीनों में से कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती और वैसे भी माइनस पाए बाई टू है यानी कि थ्री पाए बाई टू है ना एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है थ्री पाई बाय टू तो थ्री पाए बाई टू रिजेक्ट होने का रीज़न यही था कि टैन और कॉस में डिफाइंड नहीं होती मेन रीज़न तो मेरा यही था बाकी ये रीज़न देखो फाइव पाई बाय सिक्स फाइव पाई सिक्स उसको सेटिस्फाई करेगी और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आ रही है थ्री पाए बाय टू भी चल जाता थ्री पाए बाय टू भी मेरा आंसर हो जाता लेकिन जो लॉजिक था वो टैन थ्री पाए बाय टू और कॉस थ्री पाए बाई टू इवन सेक थ्री पाए बाय टू भी डिफाइंड नहीं होता देयरफॉर जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा खटाक से दो सोल्यूशन आ जाएगा ठीक है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने कुछ सीखी आज बहुत अच्छे से समझा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे बाय द वे 2002 का क्वेश्चन है बड़ा पुराना सा क्वेश्चन है जे ई दो का क्वेश्चन है जे ई दो का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ठीक है तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ अ लास्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग टेक केयर एंड बाय बाय